आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिस्किट की एक नई मजेदार रेसिपी। शायद ही आपने इसको कभी ट्राई करा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 3 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्ले जी बिस्किट ही लें, यहाँ पर आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, पर क्रीम वाले बिस्किट नहीं होने चाहिए, पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों ही पैकेट में से बिस्किट को हमने निकाल लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने लिया है शुद्ध देसी घी। आप यहाँ पर देसी घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर मिठाई वगैरह में हम ज्यादातर घी का ही इस्तेमाल करते हैं। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इन बिस्किट को घी में डालेंगे और फिर इनको तलेंगे। बहुत ज्यादा इनको नहीं तलना है, बस मीडियम फ्लेम पर ही इनको तलना है ताकि इनका कलर ज्यादा डार्क ना हो पाए। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें बिस्किट को घी में फ्राई क्यों करना, हम इन्हें ऐसे भी बना सकते थे, पर इसके 2-3 कारण थे। एक तो बिस्किट को हम ऐसे फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरी बात बिस्किट का जो कलर है थोड़ा डार्क हो जाएगा और हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसका कलर भी थोड़ा डार्क होगा और बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। बस ज्यादा नहीं, इनको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। वैसे भी हम घी का बाद में इस्तेमाल करते और बाद में इस्तेमाल ना करके अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो हमें बाद में घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए, हमने सभी बिस्किट को तल लिया है। जब हमने इनको फ्राई किया था तब ये काफी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन वापिस से जब ये ठंडी हुई तो वापिस से ही क्रिस्पी हो गई। अब हम इनको तोड़ के भी दिखा देते हैं, हमें इन बिस्किट को तोड़ना भी है। तो सभी बिस्किट को हम तोड़ के क्रश कर लेंगे, छोटे बड़े टुकड़े हो जाए सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए, हमने सभी बिस्किट को तोड़ लिया है। अब हम इनको डालेंगे एक मिक्सी के जार में। अब हम इन बिस्किट को अच्छे से पीस लेंगे। तो लीजिए, मैंने इन बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है। अब मैं आपको एक स्पून से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इसका एक पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको बिस्किट का पेस्ट बना लेना है। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बाकी बचे हुए बिस्किट को भी इसी तरह से पीस लेंगे। तो हमने सभी बिस्किट को पीस लिया है। अब हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे दूध पाउडर का। आधा कप हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है और 1 कप दूध। अब दूध पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ पर इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, आप कढ़ाई की जगह पैन भी ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है, हमें यहाँ पर चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करना है, और आधा ही कप पानी डाला है, और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें एक तार बनने लगा है, अब इसको और नहीं पकाए। अब हमने जो ये दूध पाउडर का घोल बना के रखा था अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर लगभग 2 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। अब हमने जो ये बिस्किट का मिश्रण पीस करके रखा हुआ था वो अब इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसको पकाना है। इस बिस्किट के मिश्रण को हम चम्मच की मदद से इसे दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा, इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये जल्दी से ड्राई ना हो पाए। बस अब लगातार इसको चलाते जाएंगे। हमने इसको लगभग 4 से 5 मिनट पकाया है और जो मिश्रण है वो अच्छे से पक चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह का बर्तन लिया है, आप चाहें तो प्लेट या थाली या ट्रे भी ले सकते हैं। अब बस मैंने इसमें नीचे एक बटर पेपर लगा लिया है, अगर आप चाहें तो कोई प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं इसके नीचे। अब हम गरम गरम ही इस मिठाई को इस बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के बाद इसे चम्मच की मदद से इसे फैला लेंगे। थिकनेस आप मिठाई की अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे सेट होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना इसे बाहर छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। तो देखिए, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब चाकू की मदद से इसमें चारों तरफ से इसके किनारे अलग कर लेंगे ताकि ये आसानी से बाहर आ सके। बस अब इस बर्तन को किसी प्लेट के अंदर पलट देंगे और इसको हल्का सा टैप करेंगे।
थोड़ा सा ही टैप करने पर ये मिठाई हमारी नीचे आ जाएगी। तो चलिए अब हम इस मिठाई को कट कर लेते हैं। तो काटने से इसको देखिएगा कि इसका कितना बढ़िया टेक्सचर है, कितनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर के तैयार हुई है। और यकीन मानिए आप फ्रेंड्स की कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा कि हमने इसको पार्ले जी बिस्किट या किसी और बिस्किट से बनाया है। बस आप इसको घी में फ्राई जरूर कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल।